नमस्कार दोस्तों, मैं केजी शुक्ला। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के भाषण की कुछ मेन बातों का विश्लेषण करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि हमें कम से कम एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो कम से कम बोलते तो हैं और उनकी भाषा, उनकी बोली करीब 90% लोग समझते भी हैं, समझ भी आती है। अगर हम पूरे भाषण की बात करें तो एक अच्छा भाषण था। छोटा परिवार से लेकर जल संरक्षण, प्लास्टिक रिसाइकिल और धारा 370 से लेकर किसानों से लेकर डिजिटल पेमेंट से लेकर मुस्लिम महिलाओं के अधिकार तक की बात हुई। पर हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पे उन्होंने उन युवाओं की बात नहीं की जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर रोड पर घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों को एक्सपोर्टर बनाने की बात कर रहे हैं, पर क्या किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य आप दे पाते हैं? एक किसान जो दूध का उत्पादन करता है उस किसान को बड़ा मुश्किल से 25 से 30 रुपए पर लीटर उसको रेट मिलता है और वही दूध शहरों में आते आते 50 से 55 रुपए पर लीटर बिकता है। इसका कोई सलूशन है आपके पास? आज हमारे प्रधानमंत्री ने केमिकल फर्टिलाइजर खेतों में ना डालने की बात की, धरती माता पे ना डालने की बात की, पर इस दिशा में आपने क्या प्रयास किए हैं ये भी तो बताइए, इस पे भी तो थोड़ा प्रकाश डालिए। लक्की कल के लिए लोकल की बात कर रहे हैं, पर जो चाइना से इतना सारा आप इंपोर्ट कर रहे हो उसका क्या? लोकल को प्रमोट कैसे करोगे आप? छोटे छोटे उद्योग धंधे तो यहां पे बंद हो रहे हैं। खैर कोई बात, और डिजिटल कल की बात हो रही है, पर जो इतनी बड़ी आबादी अनएजुकेटेड है उसको डिजिटल इंडिया का हिस्सा कैसे बनाएंगे साहब? उनको एजुकेट करने का भी कोई प्लान है आपके पास? आज फिर हमारे प्रधानमंत्री $5 trillion इकोनॉमी की बात करते हैं, पर बिना हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाए हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी कैसे हो जाएगी? और लिविंग स्टैंडर्ड बेरोजगारी की हालत में तो बढ़ेगा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने धारा 370 की बात की, अच्छी बात है, इसको हटना चाहिए था, इसको हटाना चाहिए था, पर क्या कश्मीर के पिछड़ेपन का एकमात्र कारण धारा 370 था? नहीं। सरकार ये भी तो देखिए, जिन स्टेट में धारा 370 नहीं लगी है उनका आपने कितना डेवलप किया, उनको कितना डेवलप किया आपने? यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, असम है, कितने सारे स्टेट हैं जिनको विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। इसका भी तो कोई कारण होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण की बात की, पर इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? क्या आपके जल जीवन मिशन का टारगेट क्या है? इतना बारिश होते हुए भी आज हमारा आधा हिंदुस्तान प्यासा है। जनसंख्या विस्फोट की भी बात हुई, पर इसके लिए क्या हम कोई कठोर कदम उठाने को तैयार हैं? जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमारे क्या प्रोग्राम है? लोगों को अवेयर करने का भी काम आपने किया? नहीं साहब, झाड़ू उठाकर फोटो खिंचाने से सफाई नहीं होती।
हमारा देश कितना साफ हुआ ये भी तो देखिए, हमें तो कहीं नजर नहीं आता। स्मार्ट सिटी में रहते हैं हम लोग, स्मार्ट सिटी में पूरी गली घूमकर देख लीजिए, कहीं एक आपको डस्टबिन नजर नहीं आएगा।